Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to share MNS 2021 question paper in MCQ format. And in this video, total 100 questions are provided in MCQ format of shift second. So first we discuss shift second question paper, then we are going to discuss shift first. Because shift second के questions मुझे ज़्यादा मिले थे, इसलिए पहले हम shift second के questions discuss करेंगे, okay? सो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड किए हैं एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एमएनएस 2021 सो दैट यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट क्वेश्चन एंड कैलकुलेट योर एवरेज स्कोर ओके एंड जो कट ऑफ है वो इस वीडियो के मैं एंड में आपको बताऊंगी ठीक है सो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स ऑफ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोज हु शेयर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ एमएनएस 2021 क्वेश्चंस ओके सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड शेयरिंग क्वेश्चंस ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट वी डिस्कस साइंस क्वेश्चंस बिकॉज साइंस जो पोर्शन था दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर था जिसमें सेकेंड शिफ्ट का जो साइंस था वो मुझे टफ लगा फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता नहीं सकती अभी ठीक है तो जैसे मैंने सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने खुद देखा तो इसलिए मुझे साइंस उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लगी इवन नीट के क्वेश्चंस भी कुछ थे तो वो मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगी ठीक है सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ यू शुड कैलकुलेट योर स्कोर्स क्वेश्चंस मैंने आपको नंबरिंग में प्रोवाइड किए हैं इन रनिंग फॉर्मेट सो दैट बीच में कोई गैप ना हो नंबरिंग में और आप नंबरिंग टोटलिंग करके अपना स्कोर निकाल सकते हो सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच स्पीशीज़ आर द फर्स्ट स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज डिस्ट्रीब्यूटेड और न्यूली क्रिएटेड एनवायरमेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट स्पीशीज़ जो कॉलोनाइज होती हैं किसी लैंड पर न्यूली क्रिएटेड एनवायरमेंट में तो उस स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर था पायोनियर स्पीशीज़ सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन सो बायोकेमिकल एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है सो इसका करेक्ट आंसर था इंक्रीजेस सो बायोकेमिकल एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लांट हैं वो आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में वो आयरन को लेते हैं सो इसका करेक्ट आंसर था फेरिक आयन के फॉर्म में सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर तो जिस बच्चे ने फेरिक आयन लगाया है दैट इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आपसे पूछा गया था कि हैलाइड कंपोनेंट कौन सा यूज होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में सो इसका करेक्ट आंसर था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय प्रोवाइडिंग एंटी वेनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था और जो ऑप्शंस थे वो भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसके एमसीक्यूज नहीं मिल रहे थे तो इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन प्रोवाइड करना पड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्नेक वेनम में जो एंटीबॉडी है एंटी वेनम है ये किस इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है किस टाइप ऑफ इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आपके ऑप्शंस में एक्टिव इम्यूनिटी था पैसिव इम्यूनिटी था नेचुरल इम्यूनिटी था एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर सो इसका करेक्ट आंसर था पैसिव इम्यूनिटी सो ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना प्रोवाइड किया गया था पैसिव इम्यूनिटी लेकिन ये जो करेक्ट है दैट इज़ एक्वायर्ड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन क्लॉस्ट्रम विच प्रोटेक्ट अ न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेज सो जो क्लॉस्ट्रम जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है सो दिस इज IgA टाइप्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स तो आपने देखा होगा जनरली जो क्वेश्चंस है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से ज़्यादातर पूछे गए हैं और ये मैंने बताया भी था सिलेबस में कि ह्यूमन हेल्थ डिसीज इंपॉर्टेंट है उसे करके जाना सो क्वेश्चन पूछा गया था वॉल ऑफ द ओवरी क्या बोलते हैं वॉल ऑफ द ओवरी को ऑप्शन था पेरिकार्प फ्रूट वॉल फ्रूट एंड बोथ ए एंड बी तो एग्जैक्ट यही सेम ऑप्शन थे और इसका करेक्ट आंसर था दैट इज़ बोथ ए एंड बी पेरिकार्प एंड फ्रूट वॉल बोथ आर द वॉल ऑफ द ओवरी तो वॉल ऑफ द ओवरी को हम पेरिकार्प भी बोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूट वॉल
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजी कंटेन्स हेलोसिनोजेंस। तो इनमें से कौन सी ऐसी फंजी है जो कि हेलोसिनोजेंस ड्रग्स कंटेन करती है। सो दिस इज क्वाइट वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सेम यही ऑप्शंस थे चारों। सो डोंट गेट वरी, ऑप्शंस भी मैंने इसलिए प्रोवाइड किए हैं, एग्जैक्ट कोशिश की है प्रोवाइड करने की ताकि आप अपने आप को जज कर पाएं और आपको याद भी आए कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है एमनेटिया मुस्केरिया इज द फंजी विच कंटेन्स हेलोसिनोजिन ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया है, सो ये ऑप्शन जो टिक किया है वो बिल्कुल सही है उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ यू हैव टू डिडक्ट वन क्वेश्चन। अगर आपने टोटल इसमें, मैंने मान लो अगर आपको 103 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए तो 102 काउंट करना, बिकॉज इसमें दो क्वेश्चंस रिपीटेड है। ये मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है, ये मैं क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन डी है, एमएनएस में ऑप्शन डी की जगह कुछ और ऑप्शन दे रखा था। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन पूछा गया था जो वेट ऑफ द बॉडी है वुड नॉट बी जीरो। तो किस कंडीशन में, किस केस में वेट ऑफ द बॉडी जीरो नहीं हो सकती, सो दैट इज़ एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा इसी से रिगार्डिंग जो एग्जैक्टली ऑप्शन पूछा गया था, जो करेक्ट आंसर था उसका, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इसे याद रखना, इसे आप काउंट मत करना अपने उसमें क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेटेस्ट। ये मैंने साइंस वाले वीडियो में प्रोवाइड किया था, इनमें से किसका हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज NAF। वैसे LI जो है उसका सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होता है, लेकिन इसमें LIF ऑप्शन में नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NAF। तो जिस बच्चे ने NAF टिक किया दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, गॉस लॉ शुड बी इनवैलिड। आपसे पूछा गया था किस कंडीशन में जो गॉस लॉ है वो इनवैलिड है। सो ये ऑप्शंस जो है वो एग्जैक्टली सेम थे। ठीक है, ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि यही ऑप्शन था या नहीं, मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली वही प्रोवाइड किया है जो एमएनएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 11 पूछा है आपसे जो गॉस लॉ है वो इनवैलिड किस केस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द इनवर्स स्क्वायर लॉ वर नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, इस केस में जो गॉस लॉ है वो इनवैलिड होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि कैंसर सेल्स जो हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। सो ऑप्शन में दे रखा था जनरेटिंग ट्यूमर, मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनिबिशन या फिर लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सो जो नॉर्मल सेल्स में कंडीशन होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, इसका मतलब होता है जब एक नॉर्मल सेल दूसरे नॉर्मल सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दे स्टॉप ग्रोथ देमसेल्स। ठीक है, वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, दे लॉस दिस प्रॉपर्टी, सो दे कंटिन्यूली डिवाइड। ओके, जो कैंसर सेल्स है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं एंड दे फॉर्म्स द ट्यूमर। सो दे जनरेट ट्यूमर, मेटास्टेटिस भी होता है इसमें अंदर, और लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टिया भी होते हैं, लेकिन दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन। जो वर्किंग प्रिंसिपल है वॉशिंग मशीन का वो किस पर बेस्ड है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा गया था जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो किस केस में होती है। मतलब आपसे पूछा गया था जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में चलती है, या फिर रेयर टू डेंसर, या फिर डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू डेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो जब ही होगा जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, उस कंडीशन में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसर टू रेयर मीडियम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड ये जो क्वेश्चन है ये ही मैंने देखो जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन काउंट करने के लिए नहीं बोला था ये वाला वो क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था वेट ऑफ द बॉडी वुड नॉट बी जीरो। तो किस कंडीशन में, जो किस केस में वेट ऑफ द बॉडी जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। नाउ यू कंपेयर दिस क्वेश्चन विद अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में है ऑप्शन डी दे रखा था। ऑप्शन डी वाले केस में भी वेट जीरो नहीं होगा एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ अर्थ पे वेट जीरो कैसे हो सकता है ना। तो इसका इसमें क्या है, क्वेश्चन घुमा के दिया था, डी ऑप्शन चेंज कर दिया था, इसमें डी ऑप्शन दे रखा था ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्फेस। तो ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्फेस पर भी वेट जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेट है दैट इज समथिंग अपथ्रस्ट, जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसी की वजह से हम वेट
महसूस करते हैं। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एन होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन होगा, तभी तो वेट हमें फील होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वेट कुड नॉट बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर थर्मियंस, थर्मियंस क्या है, तो ऑप्शन डी की जगह आपको दे रखा था मीजोन्स, है ना, तो ऑप्शन में मीजोन्स था। अब इसमें जो आपसे पूछा है थर्मियंस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। ना थर्मियंस होते क्या हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी मेटल सर्फेस को, तो उस मेटल सर्फेस से जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, सो दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नोन एज थर्मियंस। तो थर्मियंस आर वॉट, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, एक और जो ओवरी से क्वेश्चन था, अ ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, एक ट्रू फ्रूट जो है वो किससे डेवलप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओवरी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम डिफिशियंसी से पूछा था कि किसकी वजह से होती है, किस विटामिन की वजह से, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी की वजह से होती है कैल्शियम डिफिशियंसी। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ओइलम, ओइलम क्या है, सो ओइलम इज एक्चुअली द फ्यूमिंग H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फ्यूम को बोलते हैं हम ओइलम। नेक्स्ट इज आपसे पूछा गया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये जो बुक है वो किसने लिखी है, वेरी सिंपल, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके MNS में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस भी सेम दिए गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था जो कॉपर क्रिस्टल है इट फॉर्म्स द FCC, आपसे पूछा है जो कॉपर क्रिस्टल है वो FCC फॉर्म कर रहा है, फेस सेंटर्ड है ना, और उसका जो आपको दे रखा था जो एज लेंथ है यूनिट सेल की, दैट इज 361 PM पिकोमीटर, और आपसे पूछा था इस रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस पूछा गया था, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है, फॉर्मूला जो लगेगा दैट इज √2a = 4r, तो यहाँ से हमें रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस हो जाएगा √2a/4, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 127 PM पिकोमीटर। ना देखो साइंस जो है वो सबके लिए डिफिकल्ट थी, क्योंकि साइंस जो है उसमें कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स आए थे, एंड यू नो कि आपको पता है कि 90 मिनट्स दिए जाते हैं MNS एग्जाम में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और ये जो 150 क्वेश्चंस अगर तुम यू नो 150 क्वेश्चंस में से अगर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइंस में कैलकुलेटिव आएंगे, और उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आपकी GK और साइंस तो रह ही जाएगी। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि जिस बच्चे ने इंग्लिश और GK अच्छी की है तो उसके स्कोर अच्छा होगा, अदरवाइज उसका स्कोर नहीं इतना अच्छा हो पाया, क्योंकि अगर उसने साइंस में कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है तो टाइम कहाँ से बचेगा फिर इंग्लिश और GK करने के लिए, ठीक है। तो साइंस तो ओवरऑल सबके लिए डिफ़िकल्ट थी, अगर जिसने इंग्लिश और GK अच्छी की तो वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो जिस बच्चे ने 127 पिकोमीटर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, इनर्शिया न्यूटन्स विच लॉ, इनर्शिया जो है वो न्यूटन्स का कौन सा लॉ है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, दैट इज द बॉडी व्हेन अनटिल एंड अनलेस जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी वहीं मूव नहीं कर सकती, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो हेपेटाइटिस बी है ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो इफ़ यू नो दिस हेपेटाइटिस बी इज एक्चुअली द STD दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो ये किससे फैलेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, आपसे पूछा गया था जो सेल है वो G0 फेस में होता है तो क्या कंडीशन होती है, तो सेल जो है वो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को G0 फेज में, या फिर एंटर करता है सेल साइकिल में, या फिर सस्पेंड करता है, या फिर टर्मिनेट करता है। तो न्यू NCERT की ये प्रॉपर लाइन है और ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया था सेम सेल एंड G0 फेज, तो सेल एंड G0 फेज सस्पेंड द सेल साइकिल, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सस्पेंड द सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय, सो बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है MNS का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंजाई, फंजाई के एग्जांपल नहीं है, ऑप्शन थे ट्राइकोफाइटम, एपिडोडर्मोफाइटम, माइक्रोस्पोरम या फिर मैक्रोस्पोरम, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मैक्रोस्पोरम। ये जितने भी एग्जांपल हैं तीनों बाकी बचे एग्जांपल्स ये कॉज करते हैं रिंगवॉर्म, ओके, ये रिंगवॉर्म कॉज करते हैं ह्यूमन एल्थन डिसीज का ये पोर्शन का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर ये दे रखा है, तो ये जो ट्राइकोफाइटम है, माइक्रोस्पोरम है एंड एपिडर्मोफाइटम है ये रिंगवॉर्म कॉज करते हैं, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे माइक्रोस्पोरम एंड मैक्रोस्पोरम, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्रोस्पोरम इज एक्चुअली नॉट अ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे को कुछ याद था
एग्जैक्टली तो क्वेश्चन नहीं पता है, बट इतना पता है कि दिस इज एन कॉजिटिव एजेंट पूछे गए थे, मैच करना था आपको, बताना था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम में भी ये दे रखा था या नहीं मुझे नहीं पता, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज सिफिल्स, क्योंकि सिफिल्स में ट्रैपोनीमा पैलेडियम नहीं दे रखा था ऑप्शन में, ऑप्शन में कुछ और दे रखा था, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिफिल्स इसका करेक्ट इनकरेक्ट मैच होगा। वैसे ये यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोवाइड किए ना, सी इसमें से इनकरेक्ट एक भी नहीं है, ये मत सोचना इसमें से इनकरेक्ट है। ये मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन था, मलेरिया था, उसमें स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग एंड सिफिल्स ये तीनों तो थे 100% श्योर हूँ मैं, और उसमें आपको कॉजेटिव एंशेंट पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो मे बी उसमें सिफिल्स इनकरेक्टली मैच था। बाकी आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मेरे को आइडिया देना कमेंट में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड ऑल्सो कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स, ओके, सो दैट आइडिया हो कि आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, ऑप्शन था टीबी, डायजेंट्रिया, मीसल्स एंड बोथ टीबी एंड डायजेंट्रिया, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ टीबी एंड डायजेंट्रिया, डायजेंट्रिया इज ऑल्सो नोन एज द डायरिया, सो टीबी और डायरिया दोनों ही एक बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी था, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया था एक डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी है जो कि डैश गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, वेयर इज जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करेगी डैश गैमेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ हैप्लॉइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, वेयर इज जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो भी क्या प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्रोड्यूस करेगी। सो द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वॉट एवर इज द फॉर्म ऑफ द बॉडी फॉर्म ऑफ द मेन प्लांट बॉडी, कैसी भी मेन प्लांट बॉडी की बॉडी फॉर्म हो, वेदर इट इज हैप्लॉइड और वेदर इट इज डिप्लॉइड, जो गैमेट्स होंगे दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, गैमिट्स जो होंगे दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टबैको, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज अ सेंट्रल न्यूरल स्टिमुलेंट विच लुक्स विच ब्लॉक्स, एक्चुअली दिस इज ब्लॉक्स, विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डैश, आपसे पूछा गया था ऐसा कौन सा न्यूरल स्टिमुलेंट है जो कि दूसरे जो ऑप्शन दे रखा था दोनों का ही आपको, न्यूरल स्टिमुलेंट और न्यूरो ट्रांसमीटर का, तो आपको करेक्ट चूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर, दो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे जो मुझे याद है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, जो कोकेन है एक न्यूरो स्टिमुलेटेंट है जो कि ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन सा, डोपामाइन, सो डोपामाइन को ब्लॉक करता है कोकेन सिंपल फॉर्म में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज जो क्वेरिकस ट्री है आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब आपसे पूछा ये जो क्वेरिकस ट्रीज है वो किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के एग्जांपल है जहां पर ये ग्रो करता है, ऑप्शन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, टेम्परेट फॉरेस्ट था, श्रब फॉरेस्ट था, आई नो आई रिमेंबर दिस ऑप्शन, एक श्रब फॉरेस्ट भी ऑप्शन में दे रखा था आपको, तो इस फोर्थ ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है गूगल पर सर्च करने पर बता रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिडियस मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि डेसिडियस जो है शायद ऑप्शन में नहीं था, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट, तो जिस बच्चे ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किया है वो गलत हो गया, क्वेरिकस जो है वो एक्चुअली ओक है ना, ओक ट्री को बोलते हैं क्वेरिकस, और जो ये ओक ट्री है वो कहाँ पर ग्रो करता है, टेम्परेट फॉरेस्ट में, सो टेम्परेट फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेडियम पूछा था, रेडियम किसने डिस्कवर किया है, तो मैरी क्यूरी, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइप ऐसा भी आया था क्वेश्चन का जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी, तो आई थिंक इसमें जो ये स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी, अदरवाइज ये इस पर आप कमेंट करना इस वाले क्वेश्चन पर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था और बाकी क्या ऑप्शंस थे, ठीक है, इनकरेक्ट का कौन सा करेक्ट आंसर था, इसमें आई थिंक ये भी एक ऑप्शन में था कि NaOH इज एन एक्सिस ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स द AlO3, दिस इज द इनकरेक्ट वन, अदरवाइज आप इस पर कमेंट करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन येलो फीवर से था, एग्जैक्टली तो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चन गिना भी नहीं है, आई थिंक दूसरे उसमें ऑप्शन में हो इसलिए, क्वेश्चन टाइप का हो इसलिए, जो येलो फीवर है दैट इज कॉज्ड बाय अर्बो वायरस एंड इज स्प्रेड थ्रू एडीज मॉस्किटो, सो अर्बो वायरस जो है वो एडीज येलो फीवर कॉज करता है और ये स्प्रेड होता है बाय द एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मेन फंक्शन क्या है, सो ऑप्शन में आपका ये भी ऑप्शन था
फ्रॉम इट फॉर्म्स मोनोसेक्राइड फ्रॉम डाइसेक्राइड, मतलब डाइसेक्राइड को तोड़ने का काम करता है मोनोसेक्राइड्स में, ऑप्शन एक ये भी था ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, मतलब जो HCl है इट इफेक्ट्स ऑन पेप्सिनोजन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि जो एड्स का जो डायग्नोसिस टेस्ट है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ऑप्शन यही पूछे गए थे आपसे। क्वेश्चन पूछा गया था कि चार वायर्स हैं जिनका सेम मटेरियल के चार वायर्स बने हैं ठीक है, और इनमें से आपसे पूछा गया था कि कौन सा वायर जो है वो लार्जेस्ट एक्सटेंशन शो करेगा जब हम उसे हम एक्सटेंड करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर था वो वायर ज़्यादा एक्सटेंड करेगा जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 0.5 mm है। ये स्ट्रेन और ये सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बेस्ड ये क्वेश्चन है फिजिक्स के चैप्टर से ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द पीएच ऑफ NH10 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल पर सर्च करने पर 13 बता रहा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिसने 13 टिक किया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो प्लाइंट वायरस है दैट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय, फर्स्ट किसने क्रिस्टलाइज्ड किया था प्लाइंट वायरस को। सो सी प्लांट वायरस में जो चार जो फेमस आपके NCERT में दे रखे हैं साइंटिस्ट के नाम, जिसमें पहला है पाश्चर, तो पाश्चर ने सबसे पहले प्लांट वायरस का नाम दिया था पाश्चर ने। उसके बाद वायरस को बोला था, वायरस को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था TMB तमैको मोसा वायरस को दैट इज बेजरनिक ठीक है। तो बेजरनिक ने सबसे पहले TMB वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था, एंड जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो वायरस को बोला गया था दैट इज बाय स्टेनले। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो प्लांट वायरस है उसको फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड किसने किया है, सो दैट इज स्टेनले। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके। और इवनोवस्काय ने बोला था जो प्लांट वायरस है दैट इज इन्फेक्शियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन पूछा गया था द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यूज आर, मतलब बैक्टीरिया का वो कौन सा सब्सटेंस है या स्ट्रक्चर है सॉरी जो कि रॉक्स एंड होस्ट से अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको पिलाई ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो कन्फ्यूज नहीं होने की बात इसमें थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फिम्ब्रेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेम ऑप्शन थे इसमें, पिलाई ऑप्शन में भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था जो पेंसिल है उसकी लीड किससे बनी है, लेड दैट इज ग्रेफाइट, देन कार्नोटेंजन एफिशिएंसी पर एक बच्चे ने बताया था क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा, सो जिसको याद है वो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चन एक एम्पियर से भी क्वेश्चन था, तो एक एम्पियर का भी क्वेश्चन आया था सेट सेकेंड में, तो वो भी कुछ कन्फ्यूजिंग ही था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजन बेस, तो जिन बच्चे ने थाइमिडाइन किया है वो एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस देन शुगर एंड देन फॉस्फेट ग्रुप, जब ये ऐड होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिडेलिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज यस, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, साइंस के 43 क्वेश्चंस ही मिले थे मुझे, तो वो मैंने सारे आपको प्रोवाइड कर दिए। अगेन आई एम सेइंग रनिंग फॉर्म में मैंने आपको नंबरिंग फॉर्म में प्रोवाइड किया है ताकि आप टोटलिंग कर पाओ इजीली। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था द महाराज रंजीत सिंह जो गोल्ड कप है दैट इज एसोसिएटेड विद, तो महाराज रंजीत सिंह ये जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है, कप किससे रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। ऑप्शन में आपको बैडमिंटन दे रखा था पोलो की जगह, तो बैडमिंटन ऑप्शन में था, हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट इज हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर इज टेड्रोस अदनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली जो नासा का जो मार्स मिशन है उसमें ये लैंड करेगा मार्स के जेरिको क्रेटर पर, तो किस रोवर के थ्रू ये मिशन लॉन्च हुआ है, किस रोवर के थ्रू ये लॉन्च किया गया है, मतलब किस रोवर के थ्रू यहाँ पर जेरिको क्रेटर पर ये लैंड करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए परसिवरेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन पूछा था, उसमें जेरिको क्रेटर भी लिखा था, तो इसलिए ये मैंने मेंशन किया है।
ये न्यूज़ में है तो इसलिए करंट से क्वेश्चन था, क्योंकि रिसेंटली ये जो मिशन है वो लॉन्च तो बहुत पहले हो गया, लेकिन अभी ये लैंड किया था मार्स पर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो करंट्स के भी क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो करंट से रिलेटेड ही हैं। शिफ्ट फर्स्ट में मुझे नहीं पता है कि करंट से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, बच्चे बोल रहे हैं करंट से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी करंट से ही क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल क्रेडिलिंग सिस्टम स्टार्टेड। तो जो ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल सिस्टम है ये किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो इफ यू टेक केरला और कर्नाटका दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, सो ऑप्शन थे द पीपल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा और द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेंटर का पार्ट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट इज अ स्टेट पार्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्यसभा है दैट इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाट्यशास्त्र ये जो बुक है ये किसने लिखी है, इसका करेक्ट आंसर है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन, ऑल यू नो ग्रेट बैरियर रीफ इज इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया था योग सूत्र वॉज गिवन बाय होम, सो इसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया था जो पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन है इनमें से कौन सी है, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन, ये मैंने आपको करंट अफेयर में प्रोवाइड किया है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट सेंट्रल जोन, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 प्रेजेंट लोकसभा इज, आपसे पूछा गया है जो प्रेजेंट लोकसभा है दैट इज 2019 से जो 5 साल की जो ड्यूरेशन है, ओके, तो इसमें आपसे पूछा है ये कौन सी लोकसभा है, ठीक है, 2019 से 2024 तक की। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17th लोकसभा। ये मैंने आपको वर्बली बताया था जब मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है जो प्रेजेंट लोकसभा है वो 7 फेजेस में हुई थी 2019 की, और 7 फेजेस के साथ साथ ये कौन सी है, ये 17th लोकसभा है। दो आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी एनसीईआरटी, तो आपको प्रीवियसली ईयर में पूछ ली गई है, ठीक है, 2019 में भी पूछ ली गई थी। तो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेबी की जो फुल फॉर्म है ये करंट से में भी रिलेटेड है, बिकॉज रिसेंटली फेडरिक फिशमैन ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है सेटी, ठीक है, उसी पर बेस्ड ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म है द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, सेटी, ठीक है। और ये जो बुक है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, का मतलब है एलियंस, जो हम बोलते हैं कि जो दूसरे स्पेस पे जो एलियंस रहते हैं उनके सिग्नल्स गैदरिंग करने के लिए ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, सेती, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, फेडरिक फिशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे पूछा गया था मारिया मोंटेसरी इज एसोसिएटेड विद, ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेडागॉजी से रिलेटेड है, मतलब जो चाइल्ड एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड है, मतलब ये जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो बीएड वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पता नहीं इसमें क्यों दे दिया ये, कुछ और रिलेवेंट पूछ लेते यार। मारिया मोंटेसरी इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। एक और ऑप्शन था जो मुझे याद नहीं है, वुमेन एजुकेशन ऑप्शन में था, हॉस्पिटल डेवलपमेंट से था एंड चाइल्ड एजुकेशन, तो ऑप्शन था इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था विच इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट पोर्ट इज़ मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 इज़ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की थिंक टैंक है जो इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। सो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन में आत्मनिर्भर भारत था, अमृत था और एक और ऑप्शन था, तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट इज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जेबी डुनलॉप किससे रिलेटेड है, मतलब इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज निमोटिक रबर टायर्स, सेम ऑप्शंस थे आप देख सकते हो।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, आपसे पूछा गया था जो एमएस वर्ड है वो क्या है. सो ऑप्शन में था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्लायर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ लिखा हुआ था ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है वीनस. मे बी मरकरी भी ऑप्शन में था लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वीनस. वीनस इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वीनस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया कौन है, दैट इज द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार ऑप्शन क्वेश्चन पूरा ये था, अंडमान एंड निकोबार के जो फॉरेन कंट्री जो नियरेस्ट है दैट इज म्यांमार. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन में इंडोनेशिया भी है लेकिन जो करेक्ट आंसर है, जो मोस्टली आंसर्स जो बता रहे हैं गूगल पर, दैट इज म्यांमार. बट आई थिंक इंडोनेशिया इज मोर करेक्ट, बट फिर भी क्योंकि म्यांमार ज़्यादा ऑप्शन में, तो इसलिए तो अदरवाइज आप इसका करेक्ट आंसर बताना करें कमेंट में. वैसे इसका करेक्ट आंसर म्यांमार ही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया. ऑप्शन में मैं आपको आईबी और सीबीआई भी दे सकती थी लेकिन एमएनएस 2020-21 के हिसाब से जो ऑप्शन थे वो आईबी और सीबीआई नहीं दे रखे थे, तो ये जो क्वेश्चन है वो मतलब सिंपल था ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो. अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा है फिर भी उसने रॉ तो लगाया ही होगा. ठीक है, और वैसे देखा जाए जो एग्जैक्टली जो रॉ है दैट इज़ द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, और जो इंडिया की इंटरनल एजेंसी दैट इज़ आईबी. ठीक है, सो जो रॉ है दैट इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज़ द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, वेयर इज आईबी इज़ द इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी. लेकिन ऑप्शंस में आईबी एंड सीबीआई नहीं थे, रॉ थे एंड बाकी ऑप्शंस थे जो कि इजीली हम आउट कर सकते थे. नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान इज कॉल्ड. आपसे पूछा गया था फास्ट जो हम ब्रेक करते हैं रमज़ान के अंदर, जो मुस्लिम्स ब्रेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर था इफ्तार. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन में निकाह भी था, वाफ्ता था, एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर, बट इसका करेक्ट आंसर है इफ्तार. नेक्स्ट आपसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, एक और कंट्री का आपका नाम और कंट्री की करेंसी दे रखी थी, फिर आपसे पूछा था चाइना की क्या होगी, तो ऑप्शन में आपको येन भी दे रखा था. ये मैंने आपको कंट्री एंड कैपिटल एंड करेंसी वाली वीडियो में बताया था कि प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन युआन एंड येन, बिकॉज ये जो येन है दैट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, वेयर इज युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना. ठीक है, सो युआन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपसे बोला था कि अरेंज करना है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके दे रखा था, उसमें आपको अरेंज करना था. ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इजीली आप नेगलेक्ट कर सकते थे, जिसमें आपको छोटे से बड़े तक अरेंज करना था. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक सबसे पहले आपका मदुरई आएगा, मतलब 3. ठीक है, 3 ऑप्शन में सबसे पहले, देन मदुरई के बाद क्या आएगा, मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, सो 1. देन तमिलनाडु कहाँ है, इंडिया के अंदर, 5. एंड इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड के अंदर, एंड वर्ल्ड कहाँ है, यूनिवर्स के अंदर. सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 3, 1, 5, 2. नेक्स्ट चूज़ ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट चूज़ करना था. ऑप्शंस दे रखा था पटना, लखनऊ, कानपुर एंड लाहौर. सो लाहौर जो है वो पाकिस्तान की सिटी है, तो बाकी इसमें करेक्ट हो जाएगा, लाहौर इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा. तो लाहौर इज़ ऑड वन आउट. सो ऑप्शन वट एवर इज़ द ऑप्शन, सो लाहौर इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69, वेयर इज़ द सेंट्रल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड. आपको ओडिशा नहीं दे रखा था बट आपसे पूछा गया था वेयर इज़ द सेंट्रल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर था कटक, एंड कटक इज़ इन उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन. ये मैंने आपको फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर्स वाली वीडियो में भी बताया है कि जो यूएन के हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज़ द बजट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एवरी ईयर. सो ये मैंने आपको बजट वाली वीडियो में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया है. मैंने आपको बताया था कि जो बजट है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. ऑप्शन में आपका पार्लियामेंट भी दे रखा था बट पार्लियामेंट इज़ नॉट करेक्ट आंसर. ठीक है, जो बजट है वो सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द ओल्डेस्ट डायनेस्टी स्टिल रूलिंग इन विच कंट्री, आपसे पूछा गया था किस कंट्री में अब तक अभी भी ओल्डेस्ट डायनेस्टी ही रूल करती आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर था जापान। ऑप्शन में आपको दे रखा था चाइना एंड नेपाल, ठीक है, नेपाल और चाइना भी ऑप्शन में था, ईरान इंडिया नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है गैलेंट्री अवार्ड पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। लेकिन पीस टाइम का जो हाईएस्ट अवार्ड है, पीस टाइम में हाईएस्ट अवार्ड है, दैट इज महावीर चक्र। ओके, नेक्स्ट इज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था द कांस अवार्ड इज गिवन इन द एक्सीलेंस ऑफ विच फील्ड, सो जो कांस अवार्ड है वो किससे रिलेटेड है बेसिकली। ऑप्शन में आपका सिनेमा था, फर्स्ट ऑप्शन इज सिनेमा, देन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म, और वी कैन से सिनेमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस एमएनएस ईयर का, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर वर्क, दैट इज गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच टेनिस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ नंबर वन इन टेनिस, मेन्स टेनिस लॉन्ग टाइम, सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नंबर वन जो टेनिस प्लेयर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में जो है वो है नोवाक जोकोविच, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नंबर वन पोजीशन पर किसने ये रिकॉर्ड होल्ड किया है नंबर वन रहने तक का, मतलब लॉन्ग टाइम तक रहने तक का, दैट इज रोजर फेडरर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस वन ऑल्सो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया का पहला अंडर सी टनल ये कहाँ किस सिटी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मुंबई, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मुंबई। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल, सो ये मैंने आपको जीके वाली सीरीज में प्रोवाइड किया था क्वेश्चन, लिटिल कॉर्पोरल ये किसको बोला जाता है, सो करेक्ट आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया दैट इज समुद्रगुप्त। ओके, सो नेपोलियन ऑफ इंडिया इज नोन टू समुद्रगुप्त। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, रनिंग क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं नंबरिंग में, सो 80th क्वेश्चन रिलेटेड टू ईडीएम एंड फ्रेजेस, 5 क्वेश्चन आपके ईडीएम एंड फ्रेजेस से पूछे गए थे, दैट इज टू ग्रीस द पाल्म, इसका मतलब होता है रिश्वत लेना, टू टेक ब्राइब। नेक्स्ट ड्रॉपिंग लाइक फाइल्स, इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मुझे याद है सेंटेंस उसमें पूछा गया था कि बहुत गर्मी पड़ रही है एंड द पीपल्स आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, तो इसका करेक्ट आंसर था लार्ज नंबर में जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज बिकम इल इन लार्ज नंबर। नेक्स्ट वन इज अंडर द क्लाउड, दैट इज अंडर सस्पेक्ट, ठीक है, कुछ ऑस्पिशियस होना, सस्पेक्ट होना, सो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई पुलाव बनाना, दैट इज डे ड्रीमिंग। एंड नेक्स्ट इज रेस्ट इन वन सोर्स, रेस्ट इन वन सोर्स का मतलब पूरी जिंदगी काम किया है अब रेस्ट करना है, दैट इज स्टॉप वर्किंग। ओके, सो रेस्ट इन वन सोर्स दैट इज स्टॉप वर्किंग और टेक रेस्ट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के थे, सो सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया था, पहला अपेरेंट का मतलब होता है एविडेंट, काउंटर्ड का एग्जैक्ट मुझे आंसर ऑप्शंस नहीं पता है, काउंटर्ड का वैसे मतलब होता है लाइक रिलेटेड टू फाइट समथिंग, देन एनिग्मा का मतलब होता है पजल, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनिग्मा का मतलब क्या होता है, मिडिल यहाँ पर मिडिल ये वाला मिडिल नहीं है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना था आपको, मिडिल ये पूछा था MEDDLE मिडिल, MEDDLE, सो इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, सॉर्डिड मतलब स्लीजी डर्टी, ये इसके सिनोनियम्स थे। नेक्स्ट एंटोनियम्स के आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंटोनियम से, तो इसमें रिवेज पूछा गया था, रिवेज मतलब स्पॉइल एंड इसका एंटोनियम हो जाएगा प्रिजर्व एंड डिवास्टेट। नेक्स्ट इज ऑस्पिशियस मतलब रिमार्केबल ब्राइट एंड अपोजिट हो जाएगा अनफेवरेबल, ऑप्शंस तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट सिनोनियम्स जो एंटोनियम्स हैं वो
यही पूछे गए थे। नेक्स्ट इज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस के एग्जैक्टली मीनिंग यही था, जेन्युइन इसका करेक्ट आंसर है। ट्रैंक्विल, आई थिंक ट्रैंक्विल का जो करेक्ट मीनिंग था फ्यूरियस, इफ अगर दूसरे ऑप्शन इसके रिलेटेड नहीं करते तो, क्योंकि जो ट्रैंक्विल है उसका मतलब होता है पीस, पीस और विल वी कैन से काम, है ना, शांत होना, शांति में रहना या फिर शांत रहना, शांति से रिलेटेड है ना, पीस रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूरियस, फ्यूरियस। देन स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है रिजिड, इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरल एंड फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस थे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारो ही पांचों क्वेश्चंस जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे वो सिंपल थे। क्वेश्चन पूछा गया था फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन पूछा गया था वन हु डू समथिंग फॉर द वुमेन वेलफेयर, दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पॉजिटिव साइड को देखता है सिचुएशन की, दैट इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैसीनो से रिलेटेड, वन हु प्ले गैम्बल, जो जुआ खेलता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कैसीनो। जहाँ पर जुआ खेला जाता है ना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है दैट इज नोन एज कैसीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोवोइस, मतलब क्वेश्चन ये था कि वन हु इज न्यू इन प्रोफेशन तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोवोइस, मतलब नौ सीखिया। लास्ट क्वेश्चन था जो दूसरों की लाइफ के बारे में लिखता है, दूसरों की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, एंड जो अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, देन कुछ तीन क्वेश्चंस डायरेक्ट मॉक टेस्ट से कंजक्शंस में आए हैं इन अ रो, सो ये कंजक्शंस के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पूछा गया था आई वॉज इल डैश आई डोंट गो टू वर्क, आई वॉज इल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो, आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137, यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस और पे फाइन, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली के साथ हम कंजक्शन यूज करते हैं बट ऑल्सो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो पेयर में यूज होता है, सो नॉट ओनली के साथ क्या होगा डैश 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 बट ऑल्सो, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बट ऑल्सो। ओके, सो कुछ ये क्वेश्चंस थे जो मुझे याद थे जो बच्चों ने मुझे शेयर किए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चंस शेयर किए मेरे से। एंड क्वेश्चन आपके टोटल कितने हो गए, ये 102 है ना, आपको एक क्वेश्चन आपको हटा देना है, 102 क्वेश्चंस में से आपको स्कोर अपना कैलकुलेट करना है। प्लस आप ऐसे भी देख सकते हो इसमें ऐड करके, लाइक 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए थे जो बहुत सिंपल थे, आपको रीजनिंग से आपको ABCD के फॉर्म में जो आपको सीरीज दे रखी थी वो आपको क्वेश्चंस आए थे। ओके, फिर 5 क्वेश्चंस आपके जंबल वर्ड से आए थे, तो अगर आप में देख सकते हो उसको तो उनमें से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ओवरऑल आपका कितना स्कोर है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चंस टू मी, एंड आई होप यू आर good and doing well in this exam. That's all for today. And shift first के जो questions हैं वो हम जल्दी से discuss कर लेंगे अभी, क्योंकि first shift one के भी काफ़ी time मेरे को लग गया था इन questions को exactly options के साथ देने में, so that's why थोड़ा delay हो गया, otherwise मैं अब तक तो provide कर देती। Okay, thank you so much.